नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर वक्त है तसल्ली से बैठकर उन खबरों को समझने का जो दिन भर की भागदौड़ में बस आपको छूकर निकल गई, लेकिन जिन्हें जानना समझना आपके लिए ज़रूरी है। और बातचीत के सिलसिले में मैं बात करूंगा 26 जनवरी के हमारे चीफ गेस्ट बोरिस जॉनसन ने आखिर अपना दौरा रद्द क्यों कर दिया। भारत में कोरोना वैक्सीन आम लोगों तक पहुंचने के दिन बस गिनती के रह गए हैं, क्या होगी पूरी प्रक्रिया हमारे देश में, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन कोरोना के जाने से पहले ही एक और महामारी का खतरा भारत पर मंडराने लगा है, क्या है वो, उसे जानना भी ज़रूरी है। इसके अलावा किसान अपने आंदोलन को लेकर क्या नई रणनीति बना रहे हैं और सरकार के पास उसकी क्या काट है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही रॉबर्ट वाड्रा से दो दिन की पूछताछ के बाद ईडी को आखिर क्या मिला, ये तमाम खबरें रहेंगी हमारे आने वाले आधे घंटे में। ब्रिटेन में आए कोरोना के नए स्ट्रेन ने हमारे देश में 26 जनवरी की परेड का पूरा शेड्यूल बिगाड़ दिया है। वो इसलिए क्योंकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन इस बार गणतंत्र दिवस पर भारत के चीफ गेस्ट थे, लेकिन ब्रिटेन में कोरोना का नया स्ट्रेन आने के बाद से उनके इस दौरे पर संशय बना हुआ था। गणतंत्र दिवस के मौके पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने दरअसल मंगलवार को यानी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की और अपनी असमर्थता जताई चीफ गेस्ट के तौर पर भारत आने के लिए। उन्होंने इस बात के लिए खेद भी व्यक्त किया। नरेंद्र मोदी ने दरअसल 27 नवंबर को औपचारिक रूप से आमंत्रित किया था बोरिस जॉनसन को। खास बात यह है कि भारत ने किसी भी ब्रिटिश प्रधानमंत्री को गणतंत्र दिवस पर लंबे समय के बाद बुलाया गया था। हम तमाम विदेशी मेहमानों को चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाते हैं, ओबामा से लेकर तमाम लोग 26 जनवरी के दिन हमारी इस गणतंत्र दिवस परेड पर चीफ गेस्ट के तौर पर आए हैं, लेकिन ब्रिटिश प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो आखिरी 27 साल पहले 1993 में ब्रिटेन के पीएम जॉन मेजर आए थे और उसके बाद से कोई ब्रिटिश प्रधानमंत्री नहीं आया। लेकिन बोरिस जॉनसन को इस बार आना था और ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन की वजह से बोरिस जॉनसन का आना भी अब टल गया है, रद्द हो गया है। दरअसल ब्रिटेन में इस नए स्ट्रेन ने पूरी तरह हाहाकार मचाया हुआ है और ब्रिटेन को एक बार फिर लॉकडाउन में जाना पड़ा है। ब्रिटेन में कोरोना का यह नया स्ट्रेन क्या असर दिखा रहा है, जानने के लिए देखिए यह रिपोर्ट। ब्रिटेन में फाइजर, मॉडर्ना और कोविशील्ड वैक्सीन लोगों पर लगनी शुरू हो गई है, लेकिन इसके बाद भी ब्रिटेन में कोरोना से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कोरोना संक्रमण के नए स्ट्रेन के बढ़ते मामलों को देखते हुए देश में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। बोरिस जॉनसन ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए कम से कम 15 से 20 फरवरी तक नया स्टे ऑन होम लॉकडाउन लगाया गया है ताकि नए कोरोना के प्रसार को रोका जा सके। आपको बता दें कि नया कोरोना 70% ज्यादा तेजी के साथ फैल रहा है। इस घोषणा के साथ ब्रिटिश पीएम ने लोगों से घर पर रहने की अपील की है। ब्रिटेन में तुरंत प्रभाव से स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को ऑनलाइन कर दिया गया है। लॉकडाउन की घोषणा के साथ लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाएंगे, सिर्फ जरूरी काम से ही लोगों को बाहर निकलना होगा। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, ये स्पष्ट हो गया है कि हमें और मेहनत करने की जरूरत है। इंग्लैंड में हमें एक राष्ट्रीय लॉकडाउन लगाना चाहिए क्योंकि कोरोना के नए स्ट्रेन के खिलाफ ये कठोर कदम पर्याप्त है। इसका मतलब ये है कि सरकार एक बार फिर से आपको घरों में रहने के लिए निर्देश दे रही है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि लोग जरूरी कामों के लिए घर से बाहर निकल पाएंगे, लेकिन जरूरी सामान, ऑफिस जाने के लिए वर्क फ्रॉम होम नहीं हो पा रहा है तो एक्सरसाइज, मेडिकल सहायता और घरेलू हिंसक से बचने के लिए बाहर निकल पाएंगे। बता दें कि ब्रिटेन दुनिया के उन पहले देशों में शामिल है जहां वैक्सीन प्रोग्राम शुरू हो चुका है। एक नहीं बल्कि यहां 3-3 वैक्सीन लोगों पर लगाई जा रही है, लेकिन इसके बाद भी नए कोरोना से ब्रिटेन में हालात चिंताजनक हो गए हैं।
सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं बल्कि जापान में भी नए साल के साथ कोरोना के नए स्ट्रेन के मामले बढ़ने से चिंताएं बढ़ गई, जिसकी वजह से जापान ने विदेशियों के देश में आने पर पाबंदी लगा दी। इसके अलावा दक्षिण कोरिया में भी आंशिक लॉकडाउन लगा दिया गया है। थाईलैंड, जहां कुछ महीनों पहले ही कोरोना पर कुछ हद तक काबू पा लिया गया था, वहां भी नए साल के बाद से कोरोना के केसेस बढ़ने लगे हैं। अमेरिका, जहां कोरोना की वैक्सीन लोगों पर लगनी शुरू हो गई है, वहां भी मौत का आंकड़ा आसमान छू रहा है। भले ही भारत में कोरोना की दो दो वैक्सीन को आपातकालीन मंजूरी मिल गई हो, लेकिन इसके बाद भी हमें कोरोना पर ढिलाई नहीं बरतनी होगी। वैसे दिलचस्प बात है कि ब्रिटेन वो पहला देश था जिसने कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को इजाजत दी थी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका कंपनी का ये वैक्सीन था। आपको मैं ये बता दूं कि यही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका कंपनी का ही वैक्सीन अपने देश में सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है। और अपने देश की अगर बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अच्छी खबर दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया कि जैसे ही फाइनल अप्रूवल मिलेगा कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल का, उसके 10 दिन के अंदर ये वैक्सीन रोल आउट हो जाएगा। पूरी प्रक्रिया जानने के लिए, पूरा कार्यक्रम जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। 3 तारीख को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ने इसकी घोषणा की, उसके 10 दिन के भीतर हमारी तैयारी रोल आउट करने की है, अंतिम निर्णय सरकार द्वारा लिया जाना है। कोरोना से जंग के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक जरूरी ऐलान किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिलने के 10 दिन के बाद रोल आउट हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि 13 या 14 जनवरी से देश में कोरोना का टीकाकरण शुरू हो जाएगा, क्योंकि DCGI ने 3 जनवरी को कोरोना की दो वैक्सीन को मंजूरी दी थी। जिस भी दिन वैक्सीन को ये एक्सेलरेटेड अप्रूवल मिलता है, जो कि 2 तारीख की SEC की बैठक में रिकमेंड किया गया और 3 तारीख को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ने इसकी घोषणा की, उसके 10 दिन के भीतर हमारी तैयारी रोल आउट करने की है, अंतिम निर्णय सरकार द्वारा लिया जाना है। रविवार 3 जनवरी को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन कोविशील्ड और भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी थी, जिसके बाद तेजी से वैक्सीन का ड्राई रन चल रहा है। सरकार की योजना पहले फेज में देश के 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने की है। सबसे पहले स्वास्थ्यकर्मी, फ्रंटलाइन वर्कर और 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से देश में टीकाकरण को लेकर जरूरी इंतजाम के बारे में भी जानकारी दी गई कि मेरे जिले में इन 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 स्थानों पर वैक्सीनेशन की कार्रवाई इन इन तारीखों को होगी। एक वैक्सीनेशन सेशन में 100 लोग आएंगे या 200 लोग आएंगे, एज द केस में भी, तो सेशन एलोकेशन की जो पूरी प्रक्रिया है वो भी डिजिटली होगी। बेनिफिशियरी को वैक्सीनेशन हुआ ये भी डिजिटली कैप्चर किया जाएगा और उसको अगला डोज लेने के लिए कब आना है ये इन्फॉर्मेशन भी उसको डिजिटली दी जाएगी। बेनिफिशियरी को एक्नॉलेजमेंट जाएगा कि धन्यवाद, आज आप यहाँ उपस्थित हुए और आपने फलाने वैक्सीनेटर से फलाने साइट पर पहला डोज वैक्सीनेशन का ले लिया। फिर उसमें प्रावधान है कि यूनिक हेल्थ ID भी जनरेट की जा सकती है। आप लोगों को जानकारी होगी कि केंद्र सरकार ने एक नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के नाम से एक बहुत ही महत्वाकांक्षी इंटरवेंशन प्रारंभ की है, जो कि पायलट के रूप में 6 यूनियन टेरिटरीज में प्रारंभ की गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को इसकी घोषणा की थी। इवेंचुअली इसको पूरे देश में यूनिवर्सलाइज करने की योजना है। तो वो पूरा सिस्टम जो है वो एक यूनिक हेल्थ ID के आधार पर काम करता है। तो कोविन सिस्टम आपको ये परमिशन देगा, ये प्रावधान उसमें किया गया है कि आप यूनिक हेल्थ ID भी क्रिएट कर सकें। और जब दोनों डोजेज मिल जाएंगी तो एक QR कोड आधारित सर्टिफिकेट जनरेट होगा, जो डिजिटल सर्टिफिकेट है। उसको आप चाहें तो अपने मोबाइल पर रखें, चाहें तो जो हमारा क्लाउड बेस्ड डिजी लॉकर है उसमें रखें। न्यूज़ तक ब्यूरो।
तो स्वास्थ्य मंत्रालय ये दावा कर रहा है कि वो पूरी तैयारी के साथ इस पहले फेज में, जिसमें 30 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाया जाएगा, पूरी तैयारी के साथ उसमें जाएंगे। हालांकि इसमें कुछ लोगों का ये मानना है कि ये इतना मैसिव प्रोग्राम है कि सफलतापूर्वक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन दूसरी सोच ये है कि जब हमारे देश में लोकसभा चुनाव जैसा बड़ा चुनाव, जिसमें एक ही दिन पूरे देश के तमाम हिस्सों में करोड़ों लोग वोट डालते हैं और वोटिंग बूथ्स पर जो हैं वो हज़ारों लोग जो हैं इंतजाम करते हैं, जब वो कार्यक्रम हम सफलता के साथ कर सकते हैं तो टीकाकरण का ये कार्यक्रम भी सफलता के साथ हो जाएगा, ऐसी उम्मीद कुछ लोगों को है। तो हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जब ये कार्यक्रम शुरू होगा तो पूरी सक्सेस के साथ, सफलता के साथ स्वास्थ्य मंत्रालय इसे पूरा करेगा। लेकिन दोस्तों, कोरोना अभी गया नहीं है, लेकिन एक और महामारी जो है वो डराने लगी है, और वो महामारी है बर्ड फ्लू की। देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। सबसे ज़्यादा मामले जो हैं वो राजस्थान और मध्य प्रदेश में देखे गए हैं। राजस्थान के तो झालावाड़, भरतपुर, नागौर, दौसा, पाली, कोटा, जैसलमेर जैसे इलाकों में बहुत सारे प्रवासी पक्षी और कौवे मरे हुए पाए गए। मध्य प्रदेश के अगर शहरों की बात करूं तो मंदसौर, आगरमालवा, इंदौर, खरगोन में ऐसी ही घटनाएं सामने आई। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला, पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार और केरल के अलपुझा में भी पक्षियों की मौत की खबरों ने राज्य सरकारों को चौंका दिया और फिर इसके बाद अलर्ट जारी कर दिए गए। सबसे पहले ये खबर 25 दिसंबर को आई थी राजस्थान के झालावाड़ से। यहाँ बालाजी मंदिर परिसर है एक, उसके आसपास सैकड़ों कौवे मरे हुए पाए गए थे और उससे हड़कंप मच गया था। ये सिलसिला थमा नहीं और उसके बाद 5 दिनों से लगातार यहाँ कौवों की मौत होती रही सैकड़ों की संख्या में। जैसा मैंने आपको बताया कि कई राज्यों में हाई अलर्ट तो जारी कर दिया गया है, उन्हीं राज्यों में से एक है मध्य प्रदेश, जहां से आप देखिए हमारे सहयोगी रवीश की ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू को लेकर सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। दरअसल मध्य प्रदेश से सटे हुए राजस्थान में लगातार कौओं की मौत हो रही थी, जिसके बाद मध्य प्रदेश में जो इलाके हैं खासतौर से राजस्थान की सीमा से सटे हुए मंदसौर, आगरमालवा, यहाँ पर भी कौओं के मरने का सिलसिला जब शुरू हुआ तो सरकार हरकत में आई। मध्य प्रदेश के इंदौर में भी कौओं की लगातार मौत हुई। कुल मिलाकर के सरकार ने जो अब तक आंकड़ा जारी किया है उसके मुताबिक बीते 10 दिनों में 300 से ज्यादा कौए जो हैं वो मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में मृत पाए गए हैं। सामूहिक तरीके से उनके शव जो हैं वो मिले हैं कई जगहों पर, और इसीलिए इसे देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कौओं की मौत फिलहाल इंदौर जिले में देखी गई है, इसके बाद मंदसौर और आगरमालवा में भी बहुत संख्या में, सैकड़ों की संख्या में फिलहाल जो कौए हैं वो मरे हैं। इनकी जो रिपोर्ट्स है ये भोपाल की लैब में भेजी गई थी, जहां से इंदौर और मंदसौर में जो कौए मरे पाए गए हैं उनके जो शव थे उनमें वायरस डिटेक्ट हुआ है बर्ड फ्लू का, और इसके बाद ही ये अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में जो सभी पशुपालन अधिकारी हैं जिलों में जो पदस्थ हैं उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि वो विशेष ध्यान रखें और नगर निगम के साथ मिलकर के सफाई अभियान को चलाएं, खासतौर से ऐसी जगहों पर जहां पर बड़ी संख्या में पक्षी रहते हैं, चिड़ियाघर के आसपास का इलाका हो या इस तरीके के हरियाली वाले इलाके हो या फिर कोई तालाब या झील का किनारा हो, यहां पर नजर रखने को कहा गया है। राहत की बात यह है कि फिलहाल जो वायरस कौओं में पाया गया है वो अभी मुर्गियों में नहीं फैला है, लेकिन सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि पोल्ट्री जो प्रोडक्ट्स हैं, खासतौर से पोल्ट्री फार्म जो है उन पर विशेष निगरानी रखी जाए। और ये जो समय होता है मध्य प्रदेश में ये प्रवासी पक्षियों के लिए होता है, बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी मध्य प्रदेश में पहुंचते हैं, उन पर भी विशेष निगरानी के आदेश सरकार ने जारी कर दिए हैं। दरअसल बर्ड फ्लू एक ऐसी बीमारी है जो पक्षियों से पक्षियों में फैलती है, फिर पक्षियों से इंसानों में फैलती है और फिर इंसानों से इंसानों में। हालांकि जैसा रवीश ने बताया अपनी रिपोर्ट में कि अभी देश के अलग अलग इलाकों में ज़्यादा मौत कौओं की देखी गई है, कुछ इलाकों में बतखों की भी मौत देखी गई है, लेकिन फिर भी जो पोल्ट्री फॉर्म्स हैं उन्हें लेकर भी सरकारें जो हैं वो बहुत अलर्ट पर हैं। अगर मैं आपसे कहूँ, आपको मैं एक सलाह देना चाहूँ तो वो यही होगी कि अधपका चिकन तो कम से कम फिलहाल ना खाएं, जब तक किसी नतीजे पर सरकारें और डॉक्टर ना पहुँच जाएं इस बात को लेकर कि बर्ड फ्लू जो है वो अभी मुर्गियों में फैला है या नहीं फैला है।
अभी तक मुर्गियों की मौत के मामले सामने नहीं आए हैं, लेकिन संशय बना हुआ है। इसलिए अधपका चिकन या फिर चिकन के ऐसे डिशेज जो पूरी तरह से उबाले ना गए हों, पकाए ना गए हों, वो आप खाने से बचें तो बेहतर होगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, और वो खबर है किसान आंदोलन की। दरअसल 8 जनवरी को किसानों और सरकार के बीच एक और बातचीत होनी है, नौवें दौर की बातचीत होनी है, लेकिन उससे पहले किसान लगातार ये संदेश दे रहे हैं, इशारा दे रहे हैं कि उनके तेवरों में और उनकी मांग में कोई कमी नहीं आई है। वो उस 8 तारीख की बातचीत से पहले नई रणनीति बना रहे हैं। दरअसल आज संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने कहा कि 7 जनवरी को, यानी बातचीत से केंद्र के साथ जो बातचीत होनी है उससे एक दिन पहले वो ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल वे पर 4 अलग अलग जगहों से ये ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। देखिए, दरअसल किसानों ने 26 जनवरी को एक ट्रैक्टर मार्च का ऐलान किया था, और अब उनका कहना है कि ये उस 26 जनवरी को निकाले जाने वाले ट्रैक्टर मार्च का एक ट्रेलर होगा। कुंडली बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और मेवात के रिवासन में ट्रैक्टर मार्च होगा, यानी कुंडली मानेसर पलवल मार्ग को जाम कर दिया जाएगा। ये अपनी रणनीति का ऐलान करके सरकार पर उन्होंने एक बार फिर दबाव बनाया है किसानों ने। लेकिन ये पूरी बातचीत जब उन्होंने बताई तो किसानों ने क्या कहा, आप ये सुनिए। आज 41वां दिन है आंदोलन को, और जिस हठधर्मिता से सरकार अपना रवैया अख्तियार किए हुए है वो दर्शाता है कि सरकार और सरकार में खासतौर पे हमारे प्रधानमंत्री जी अपने अहंकार के सामने किसानों को नजरअंदाज कर रहे हैं। मैं बता दूं, इतिहास गवाह, सबसे बड़ा अहंकारी रावण था और वो उसके अहंकार ने उसको डबो दिया था। ये अहंकारी मतलब किसान इनका तोड़ के जाएंगे, निश्चित तौर पे इनको ये तीनों बिल रिपील करने पड़ेंगे। किसान को उसका जो हक है, जो MSP की जो लड़ाई है किसान की, उसको देना पड़ेगा, नहीं तो ये किसान अब आ गए हैं, ये लौटने वाले नहीं है, ये मोर्चे पे अंत तक डटे रहेंगे। 40 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं किसानों को अपना ये आंदोलन चलाते हुए, जब वो दिल्ली की अलग अलग सरहदों पर सड़कों पर बैठे हुए हैं। बुज़ुर्ग, बच्चे, महिलाएं सब इस आंदोलन में शामिल हैं, और अब 40 दिन के बाद भी किसान ये कह रहे हैं कि अगर सरकार को लगता है कि वो वक्त बीतने के साथ या फिर ये हड्डियां कपा देने वाली सर्दी की वजह से, बारिश की वजह से वो अपना आंदोलन ख़त्म करके वापस चले जाएंगे तो सरकार गलत फहमी में है। इसीलिए किसान हर बार अपनी नई रणनीति के साथ सामने आते हैं, और इस बार जो ये ट्रैक्टर मार्च की रणनीति उन्होंने बनाई है, सरकार को जाहिर तौर पर उसके बाद अपनी जो इसकी कोई काट जो है वो मजबूती के साथ निकालनी पड़ेगी 8 जनवरी की बातचीत के लिए। दोस्तों, अगली खबर की तरफ चलते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रियंका गांधी के पति, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के दफ्तर पर उनसे पूछताछ कर रहा है। दरअसल एक तरीके की वो छापा मारा उन्होंने, और वहाँ उनसे पूछताछ के लिए बुलाया। अब दो दिन आज भी ये पूछताछ जारी रही, और ये पूछताछ आज खत्म हो गई है। सोमवार को, जैसा मैंने आपको बताया कि 9 घंटे तक ये पूछताछ चली थी। दिल्ली के सुखदेव विहार में एक दफ्तर है रॉबर्ट वाड्रा का, वहाँ पर बेनामी संपत्ति विरोधी कानून के तहत ये जांच और पूछताछ IT डिपार्टमेंट उनसे कर रहा है। राजस्थान के बीकानेर में वाड्रा से जुड़ी एक कंपनी ने कुछ ज़मीन खरीदी थी, उसके संदर्भ में ये पूछताछ की गई थी। इसी मामले में ED ने भी उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जो है वो दर्ज किया हुआ है। यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और ED रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जांच कर रहे हैं पिछले कई सालों से। आपको ये भी याद दिला दूं कि साल 2015 में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर ने कहा था कि 6 महीने के अंदर रॉबर्ट वाड्रा जो हैं वो जेल में होंगे, कुछ ज़मीन घोटालों को लेकर जो उन्होंने हरियाणा में किए हैं। लेकिन 2015 से 2021 आ गया है, 6 महीने क्या 6 साल बीतने को हैं, लेकिन अभी तक एजेंसियां सिर्फ पूछताछ ही कर रही हैं, और शायद इसीलिए रॉबर्ट वाड्रा बार बार अपने आप को निर्दोष बताते हैं। इस बार की पूछताछ के बाद भी देखिए रॉबर्ट वाड्रा ने क्या कहा। जो भी उनके क्वेरीज थे, जैसे कल थे, एक कंटिन्यूएशन था,
और जो भी उनकी क्वेरीज और रिक्वायरमेंट्स थे सारे हमने जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसमें सारे वहाँ वो देख सकते हैं. इट्स ऑल डिस्क्लोज, इट्स ऑल रिकॉर्डेड, इट्स ऑल गुड. अच्छा सर, किस प्रॉपर्टी की बात हो रही है, जो बेनामी प्रॉपर्टी है? कोई एवरीथिंग, वॉट एवर दे वॉन्ट टू नो फ्रॉम इंसेप्शन, मैंने कहाँ से काम शुरू किया, ये वो, और हाउ डिड आई डू एवरीथिंग, एंड दे वॉन्ट टू नो, एंड इट्स ऑल क्लियर. Everything, wherever the areas, wherever I worked, whatever's there on record, they want to know from inception. I welcome them and everybody to come and see me and have some tea with me and find out whatever they need to find out. देखिए दोस्तों, टीवी पर तो खबरों की इतनी भागा दौड़ी होती है कि कुछ शायद दर्शक समझ ही नहीं पाते हैं कि कौन सी खबर वो ठहर कर देख पाएँ और कौन सी खबर बस उन्हें छू कर निकल गई. और सोशल मीडिया पर तो खबरों की गारंटी नहीं है, क्या सही है क्या गलत है. इसीलिए मैं हर शाम आता हूँ आपके लिए तसल्ली के साथ खबरों पर बात करने के लिए, पर्दे के पीछे की खबरों को जानने के लिए. आज का ये बुलेटिन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. और आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी. नमस्कार.